ਜਲੰਧਰੀ ਬਾਜੀ ਮਾਲਤੀ ਮੈਡਮ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਅੱਜ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਚ ਸਜਿਆ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਸਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਤੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਖਸ਼ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਾਲਤੀ ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭਾਵਾਂ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤਬਾਹ ਹੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਪਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖ तय कर लो मैं हिंदू हाँ कि सिख पाड़ के देख लो मेरे खून के कतरिया के देखो भी मैं हिंदू हाँ कि सिख पंजाब के आपसी भाईचारे का प्रतीक है नवजोत सिंह अब लल्ला नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले फिर भी मैं हैरान हाँ कि अज तुहाडे दिलां दे विच समाज का एक एडा पावरफुल वर्ग उन्हें दिलों के दर्द है मैं नवजोत सिंह सिद्धू थले बैठो भाई पुत्र सरदार भगवान सिंह सिद्धू तुहानू वचन दिना कि तुहाडा दर्द अज तो मेरा दर्द है देखो ये नवजोत सिंह सिद्धू है जवान ते खड़ा अणु बिना कदे परमाणु बने व्यक्ति बिना कदे समाज बने ते समाज बिना कदे कोई सूबा बने किरदार की है महाराज किरदार में कोई समझता ही नहीं किरदार ओ है जड़ा अपने स्वार्थ तो उत्ते समाज दा हित देखे ओ किरदार है सिद्धू उत्थे ही खड़ा है सिद्धू हर वर्ग ना खड़ा है पर सब तो वध सिद्धू पंजाब दे नाल खड़ा पंजाब दे नाल और पंजाब क्यों डुबे है इत्थे आइए थोड़ी समस्या का समाधान भी पंजाब दे समाधान नाल जुड़े है थोड़ा कल्याण भी पंजाब दे कल्याण दे विच ही है ते मैं हर रोज अरदास करदा चाहे देवी उपासना होवे चाहे गुरु ग्रंथ साहब नू हाजर नाजर मन के मूल मंत्र जपदा होवां कहे देवी हे मेरे वाहेगुरु अलग अलग नदियां ने जीवन जीन दे तरीके ने अलग अलग रस्तियां तो आउंदियां ने लेकिन मिलदियां सारियां समुंदर च एक अस्पताल एक अस के हम बारक मानस की जात सब है एक है पहचान बहु ये मेरे गुरु का आदेश है तो मैं की मंगदा 45 साल की उम्र तक कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं सी जड़ी रब ने पूरी न कर मैं हर ख्वाहिश को खंभ लाते आज की मंगदा की नवजोत सिंह सिद्धू की ख्वाहिश है उदी आत्मा की तड़प है और उदी सब तो वड्डी परमात्मा की अदालत दे विच साफा ला के सब तो वड्डी अरदास है यह मेरे वाहेगुरु यादे भी सर्वभूतेषु नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्कीय अरदास के पंजाब दे कल्याण दे विच इस नवजोत सिंह सिद्धू दा कल्याण निहित कर मेरी मां निहित कर किस तरह होएगा पंजाब दा कल्याण कोई दसदा है कोई कहंदा है तुसीं पुछदे हो है जी कोई पुछता है कोई नहीं पुछता दो राह ने या तो लॉलीपॉप दे दो आप फ्री ऐ फलाना आखिरी दो महीने होंगे
पौने पांच साल ठोका ठोक इनू टा उनू सिट एते जुल्म एदे हक खो ते आखरी दो महीने च आवी 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 ले ला आवी ओ समान पट के थोड़े जेब च सट तारे ले आऊं आवी दे दू उनू पुछो कितों देगा सवाल ये है कितों देगा सवाल तुहाडे दिलां च होना चाहिए कि की पंजाब दे विच मकसद सिर्फ सरकार बनाउणा है सिर्फ सत्ता चाउणा है झूठ बोल के पंज पंज सौ वादे करके कि मकसद सिर्फ सत्ता चाउणा या पंजाब दे लोकां दा कल्याण करना है ये दो चीज़ां च फर्क समझो कल्याण दा रस्ता एक रोड मैप ते जांदा है मुश्किल नूं समझण ते जांदा है मुश्किल की है राजनीति तंदा है राजनीति एक प्रोफेशन बन चुकी है मिशन नहीं रही खत्म हो गए वो किरदार खत्म हो गए वो लोग जो डंडा देंदे सी खट करके एक डंडा खड़काउंदे सी सारा हिंदुस्तान मगर तुरता सी खत्म हो गए वो लोग जिन्हां खातर लोग जान देने नूं तैयार सी द इमेज ऑफ द अगली पॉलिटिशियन मस्ट बी इरेस्ड ये जरा विश्वास उठा है राजनेता तो ये वापस लिया मेरे जीवन का मकसद है साहब मेरे जीवन का मकसद है मैं इधर ही जो ना इसे ही जो ना और मैं अगर सच्चा धर्म भुखिया रजाना है रोंदिया हसाना है उजड़िया वसाना है समाज की राह हर रोड़े हटाना है तो जे मैं सच्चा उस परमात्मा की अदालत दे विच ते मैं तुहानू यह विश्वास दवाना कि एक दिन अज तुसी पुछो जवाक जमदा है मां कहती है मैं इंजीनियर बनाऊ प्यो कहता है पढ़िया करो खेडा कुडा डॉक्टर बनावांगे कोई कहता नहीं 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 इनू बिजनेस सिखाना मैंने भी बिजनेस बनाना कोई कहता है मुंडा वड्डा करके पॉलिटिशियन बनाना सिद्धू दे ज्योंदे जी एक सुपना है क्या कोई एक बंदा नहीं काफी आदमी अमृतसर दे विच कहणगे कैसी अपने पुत्र नू नवजोत सिंह सिद्धू वर्गा बनाउणा है उहदे किरदार ते खड़ा करना है ये मेरा मकसद है और इस मकसद दे लई सिद्धू सब कुछ त्यागेगा मरदा मरजू पंजाब दे हित नहीं वेचू मरदा मरजू हराम दा पैसा मेरे घर च नहीं आएगा आएगा कमाऊ पुत नहीं बनू सच बोलू शीशा दिखाऊ और दसू भी पंजाब ऐ समर्द है क्यों बिगड़ गया पंजाब 5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है 3 लाख करोड़ रुपये सॉफ्ट लोन होने वाला किदा भाई म्युनिसिपल कमेटियां गिरवी पई रेस्ट हाउस गिरवी रखे पे गिरवी रखता है ना 25-30 साल जेडे आपदे आप कहते कहा मुछा खड़िया करके कुंडिया करके खड़े आपदे आप चीफ मिनिस्टर कहते गिरवी रखता सूबा ते कौन कहना है कि 5 लाख करोड़ रुपया सरकार ने मोड़ना गलत फहमी चो चाहे हिंदू होवे सिख होवे मुसलमान होवे ईसाई होवे सुनो ध्यान नाल सुनो और इस गल नूं गलियां मोहल्लियां कूचियां च लैके जाइयो सरकार ने नहीं मोड़ना हो और तुसी मोड़ना तुसी मोड़ रहे हो पंजाब दे विच डायरेक्ट टैक्सेस जिहड़ा अमीर पे करदा है 225 करोड़ रुपया ते जिहड़ा गरीब दिंदा नून ते तेल ते पेट्रोल कदे सोचिया सी सेंचुरी पार कर जू पेट्रोल सेंचुरी मार रहा जी डीजल मार गया ये क्यों कीमत तो 30-35 है ये तुसी दे रहे हो रोजमर्रा की जिंदगी च गरीब दे रहे आटे ते टैक्स तेल ते टैक्स लून ते टैक्स गलतफहमी च ना रही हो 225 करोड़ अगर अमीर दिंदा डायरेक्ट टैक्स तो इनडायरैक्ट टैक्स पंजाब दे इस सूबे दे विच 50,000 करोड़ रुपया तुसी दिंदे हो 50,000 करोड़ रुपया अखां खोलो अखां ध्यान नाल देखो
ਇਸ ਲਈ ਮਰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਾਰਦਾ ਭਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਠਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਐਤਕੀ ਵੋਟਾਂ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਪਾਈਓ ਲੋਲੀਪੋਪਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਈਓ ਨਾ ਪਾਈਓ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 50,000 ਰੁਪਈਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਪਲਸ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਤੇ ਜੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਇੰਪਲੋਈ ਨੇ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਤਾਰ ਚ ਆਖਰੀ ਖੜੋਤੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਔਰ ਰੇਤਾ ਵੇਚਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਟੁੱਟਣੀ ਕਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਂ ਕਰੋ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਐਂ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ 2004 ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ 5-5, 6-6 ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਦੂਸਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਮਰ ਜੂਗਾ ਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲਊ ਨਾ ਮੈਂ ਲਊ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਬੱਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੰਗਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਿਉਂ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੂਦ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਵਾਂਗ ਦੇ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਧਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕੌੜੇ ਘੁੱਟ ਪੀਣੇ ਪੈਣਗੇ ਯੋਗ ਸਵਾਮੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਸਵਾਮੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਾਲਕੂਟ ਵਿਸ਼ ਪੀਤਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਅਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਜਿਆ ਔਰ ਉਹ ਨੀਲ ਕੰਠ ਕਹਿਲਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਧੌਣ ਲਾ ਤੀਠਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਯੋਗ ਸਵਾਮੀ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਸ ਖੁਦ ਚੁਣੇਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੁਣੇਗੀ ਮੈਂ ਅਵਗਤ ਕਰਾਊਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਖੜਦਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੜੀਸ ਲਿਆਊਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣ ਦਊ ਵਾਪਸ ਲਿਆਊਂ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਬਸਿਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ GST 5.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 75% ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ 17 ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ 18 ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ
ते क्यों दूसरे सूबे हिमाचल वर्गे ठां करदे सत अठ से चले गए क्यों भाई क्योंकि पौने पांच साल जो तुसी कहा सी वह नहीं पूरा कर सके क्यों पूरा नहीं कर सके क्योंकि गन्ने चूपन नू बांदरी ते डंडे खान नू रिच पांच सत बंदियां दे हाथ सल्तनत लोकां दी ताकत दस बंदियां दे हाथ दे विच कौन जिहड़े कमाऊ पुत हांजी लेकिन हताश ना होना कार्यकर्ता वीरो हताश ना होना पार्टियां थोड़े दम ते ने तुसी वजूद हो तुसी वकार हो कोई सरकार होवे उहदा भी खतरनाक स्थिति की होंदी है मैं दसदा उहदा भी जवाब दिंदा इन्ना जवाब खतरनाक स्थिति की है खतरनाक स्थिति यह है कि पार्टी का कार्यकर्ता रुस गया यह बड़ी खतरनाक परिस्थिति है इस तो भी घिनौनी परिस्थिति है कि कार्यकर्ता रुस के घरे बह गया नहीं निकलता कहता बस्ते नहीं चुकने ऐतकी अपमान का बदला चुकाना है जे सिद्धू ते भरोसा है कांग्रसी हो तो सिद्धू तुहानू कहिंदा है तुसी अजर अमर हो थोड़ी संस्था अजर अमर है सिद्धू एक्स हो जाएगा हो ही गया एक्स मिनिस्टर एक्स फलाना एक्स टमकाना मच्छी मिनिस्टर एक्स हो जाते हैं आ बड़े बड़े जड़े कहते मेरी सरकार मेरा पंजाब मेरा आओ मारे चाके पटाक एक्स हो गए कि नहीं हो गए ना कार्यकर्ता कदे एक्स नहीं होंदा समुंदर वांग ठाठा मारता रहेगा कार्यकर्ता कदे एक्स नहीं होंगे तुसी सदाऊं लीडर आउणगे किश्तियां वांग टुट भज जाणगे समुंदर वांग कार्यकर्ता खड़ा रहेगा याद रखना यह थोड़ा दायित्व है प्यारे दोस्तों यह थोड़ा दायित्व है कि गलियां च महल्लियां च चालां दे विच नुक्कड़ मीटिंगां दे विच खड़ के गल करो कि ऐतकी वोटां झूठ दे फरेब ते आ लै लो आ लै लो आ लै लो दिवाली गिफ्ट फलाना गिफ्ट टमकाना गिफ्ट इहदे पाओगे दसो सवाल सब दे मना दे विच इही है दसो कि भाई दसो कि पंजाब नूं इस दलदल चों कौन कढूगा एक नंबर दो किद्दां कढूगा की है उहदा रोडमैप किस तरीके नाल कढूगा ते दूजी गल उत्ते चोर बहाओगे या कोई ऐसा ईमानदार बहाओगे जड़ा तख्ते पलटू कोई जड़ा तुहाड़ा मन करे लोक अदालत च खड़ोता है नवजोत सिंह सिद्धू कोई हौमा नहीं कोई हंकार नहीं लीवानकू ने मच्छी मार्केट इनहेरिट की थी मलेशिया वो तो फिश मार्केट आज वो फिश मार्केट एक बंदे दी लीडरशिप दी बदौलत वर्ल्ड दी नंबर वन इकोनॉमी मानती है सिंगापुर बेच के दिखावे उत्थे कोई चिट्टा भावे बेच के पुड़ी उन्हों पूछे करप्शन किवें दूर करोगे महाराज करप्शन किवें दूर करोगे यह बड़ा वड्डा मुद्दा है यह बड़ी वड्डी समस्या है इनू किस तरीके ना दूर करोगे पाजी वो कहिंदा आई विल पनिश पीपल एट द टॉप वो कहिंदा मैं निचलियां नूं नहीं जिहड़ा उत्ते बैठा ना उन्हां नूं सजा याफ्ता करूंगा ठोकूंगा उन्हां नूं ते करप्शन उसे वेले दूर हो जाणी फिश स्टार्ट टू स्टिंक एट द हेड जिहड़ा बंदा रात नूं तीन पैग पींदा होवे स्टेज ते खड़ के नहीं कह सकदा दारू पीना हानिकारक है जिन्हें पहाड़ां दे पहाड़ मटाते होण वो नहीं कह सकता माफिया खत्म कर देंगे हाँ जी कौन है जड़ा नहीं जानता कौन है जड़ा नहीं मानता कौन है जिन्हों नहीं पता सब जानते ये जो पब्लिक है मैं नहीं कहना राजेश खन्ना कहता सी ये जो पब्लिक है ये सब जानती है सोचित नू जान के हिंदू महासभा दे योधियो उचित नू जान के उदे ते अमल ना करना कायरता है पंजाबी बहादरां दी कौम ने उदो ना डिगे जदों मस्सा रंगड़ नाचिया ने चाहुंदा उदो ना डिगे जदों कहिंदे हुंदे सी खाधा पीता लाहे दा बाकी अहमद शाहे दा उदो ना डिगे
एक कर रखो, एक मुठ हो जो, समस्या नु समझो, दुनिया नु समझाओ, और जे तुसी इकट्ठे हो गए और कट्ठे हो के थोड़ी सुख बुकाहट दे विचों जमीन दी आवाज छुट्टी, तुसी हो ग्रास रूटर ते इत्थे राज करदे रहे ने पैराशूटर, समझ हो, ए जमीन दी आवाज उठे, जमीन दी आवाज ते कोई धरती पुत्र, कोई धरती पुत्र आएगा ते वोट पावांगे, नहीं ते खड़कावांगे, खड़कावांगे। सिद्धू नूं कुछ नहीं चाहिए मित्रों, सिद्धू जद भी ध्यान च जांदा है चाहे कोई मंत्र जपा, ओम आई एम ह्रीम क्लीम चामुंडा, ओम नमः शिवाय गुरुए सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंभाय तेजसे, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद जप आद सत जुगा सत है भी सच नानक खुशी भी सच, ये सब एक है, ताही ते कहा बाबे ने एक ओंकार, मानस की जात सब है एक है पहचान भाव, पंजाब दा सोचो, Ask not what Punjab can do for you, ask what you can do for Punjab. तुसी पंजाब लई की कर सकदे हो, योधे हो, एक एक बंदा थोनू वोट पाउण दा अधिकार शहीद भगत सिंह ने दिता है, तुसी बदल सकते हो, लेकिन कोई 2000 रुपये च ना विके, कोई लॉली पापा च ना विके, कोई मान ना वेचे, जागदी जमीर रखो और जागदी जमीर रख के ऐतकी एक नवा पंजाब उसारो। BSF भारती बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, 4 साल 8-9 महीने हालात ठीक सी पंजाब दे, जदों इलेक्शन आया हालात खराब हो रहे हैं, इधरों आ रहे हैं उधरों आ रहे हैं, आए आए हैं हिंदू सिख ये सब पंजाबी ने, पंजाबीयत च बने हुए ने, ये कमजोर नहीं, इन्हों एको चीज चाहिए है अमन मान चाहिए, बिजनेस चाहिए, इज्जत की रोटी चाहिए, यह लड़ाई हो दी है, कौन लोग पटकाउंदे, कौन लोग डराउंदे, भय तंत्र अगे हुंदा है लोकतंत्र, अज आ गया भय तंत्र, डंडा तंत्र, गुंडा तंत्र, यह तुसी देखियो, यह तुसी भय तंत्र नूं जिताउणा है, गुंडा तंत्र नूं जिताउणा है, नगद नारायण देवता जिताउना है या पंजाब जिताउना, मैं कहना जितेगा पंजाब, जितेगी पंजाबीयत, जितेगा हर पंजाबी, ये मेरा नारा है। कई लोग मैनू हराउण नू फिरदे, आप दियां जमानतां जब्त 4-4 बार कराई बैठे हैं, मैं कहना तुसी किसे नू हरा के कितना जित सकते हो, तुसी जित सकते हो पंजाब नू जिता के, ए आओ जग की चाहूती पाओ, पाहुती देव खुश होंगे, कर्म उस बच्चे वांग है जड़ा 100 गऊं दे विचों अपनी मां लभ लै, ये वेद कहते हैं, एको चीज सीखिया नवजोत सिंह सिद्धू, एको चीज सीखिया सवेरे उठ के वेदा का अध्ययन करते हुए कि जड़े राज दे विच चंगा काम करन वाले नू उदी पिठ ने ठोकी जावे और माड़ा काम करने वाले नू दंड ना दिता जावे, उदा तबाह होना निश्चित है, होएगा तबाह, कैसे दिन आ गए, एक कैसा कलयुग आ गया, कहंदे आ नेता है वो 3 घंटे लोगों का मूर्ख बनाओ, नेता ने उम्र भर बनाई जाती, क्यों बनाई जाते भाई, करो सवाल, वेखो किरदार नू देखो, देखो किरदार थोनू सब कुछ दस दो, मैन ऑफ जीनियस आर एडमायर्ड, तुम तेंडुलकर नू प्रशंसा करते हो ना, मैन ऑफ पावर आर फीयर्ड, जेडे पावरफुल लोग ने डरते हो ना यार कटा ना दे अंदर ना करा दे परचे ने पवा दे, बट मैन ऑफ कैरेक्टर आर ट्रस्टेड, मैं तीसरी कैटेगरी का बंदा, किरदारा ते भरोसा हुंदा है, समाज किरदारा ते भरोसा करता है, किरदार मुकदे जांदे, कैरेक्टर क्राइसिस,
मेरे लिए मैं डंके की चोट के उत्ते कहना, सब तो थले जिहदा दायित्व होंदा परिवार। परिवार तो उत्ते पार्टी, पार्टी तो उत्ते पंजाब, ये देश। लेकिन देश तो भी उत्ते लखां गुणे उत्ते मापे, मापिया तो उत्ते अगर कोई धरती दे उत्ते है तो वह है परमात्मा, मेरा गुरु, मेरा गुरु। बीज रूपी शक्ति नूं अंकुरित करन वाला उस गुरु दे लई भी लड़ रहा मैं, उहदे इंसाफ दे लई भी लड़। सर कुछ जांदा जावे उस गुरु नाल खड़ा है नवजोत सिंह सिद्धू, किरदार नाल बन्निया खड़ा है नवजोत सिंह सिद्धू, नफे नुकसान तो उत्ते उठ के खड़ा है नवजोत सिंह सिद्धू, सर्वस निछावर कर खड़ा नवजोत सिंह सिद्धू, किसी समझौते लिए नहीं खड़ा नवजोत सिंह सिद्धू। ऐसे करके लड़ाई लड़ी। तुसी कहने हो मैडम ने कहा कि आओ पंजाब नूं संभालो, पंजाब तां संभलना जे लोगों का भरोसा ना टुटिया। अगर लोगों का भरोसा टुट गया किहड़े मूंह नाल जावांगे लोगों के कोल, किहड़े मूंह नाल स्टेज ते चढ़ेगा बंदा। मैं दस दिना थोनू अखीर दे विच ऐतकी पंजाब दे विच सरकार इमानदारी ते बनेगी, नैतिकता दे उत्ते बनेगी, मॉरल अथॉरिटी दे उत्ते बनेगी। किसे ने चुन लो और जड़ा आएगा वो दसे कि इस सूबे चो माफिया राज किवें खत्म करेगा, निजी जेबा च जड़े पैसे जाते हैं वो निकल के खजाने च किदां आउणगे, क्योंकि वो जे खजाने च पै गए और चंगा शासक उत्ते होया ते जिवें बदल समुंदर नूं तो पानी लैंदा ते पानी लैके धरती ते वरौंदा ते तीन चार गुणे करके वापस मोड़ दिंदा, थोड़े कोल ताकत डिवेलपमेंट दे फॉर्म दे विच थोड़े दिते टैक्सां दी चार पंज गुणा होके आएगी, आएगी, समझो। नहीं ते मैं समझाऊं, मरदा मरजू नवजोत सिंह सिद्धू ऐतकी पंजाब नूं डुब्बण नहीं दो, क्योंकि आखिरी मौका है। या तो डैमेज कंट्रोल कर लो या फिर इररिपेयरेबल डैमेज, असह अकै रहन जोगा नहीं रहू सूबा। क्यों रोंदे सारे इंडस्ट्री वाले, क्योंकि ऑपरचुनिटी घटी जाती है, मौके घटी जाते। क्यों जाते हैं जवान छड़ छड़, मजबूरी जाते। पंछी उडारी मारदा शाम नूं आपदे आलणे च आके बैठदा, ये क्यों आपदे आलणे च उड़ के 70,000 crore की विरासत पंजाब की बाहरले सूबे दे जाते। एक बारों आया मेरा वीर NRI वीर की मैं तारीफ करदा, शरीर भावें उत्थे ने आत्मा हिंदुस्तान च वसती है जिन्हां गलियां च खेडे। फिर भी एक ने मैनू कहा, कहना सिद्धू साहब लख बंदा पट के लै गया बाकी भी लै जांगे। मैं उन्हूं कहा, मैं कहा मेरे कोल इह जी संपदा है जिहड़ी तुसीं नहीं लिजा सकदे साहब, जिहड़ी इस धरती दे कोल ही है। तुसीं दरबार साहब इत्थों नहीं लिजा सकते, दुर्गियाणा मंदिर इत्थों नहीं लिजा सकते। हाँ मैं इत्थों सीध लैना, तुसीं राम तीर्थ नहीं लिजा सकते, तुसीं अमृत दा शहर श्री अमृतसर साहब उत्थे नहीं लिजा सकते। इत्थों ही उठू पंजाब दा वारस, इस धरती तो फरीदकोट होवे चाहे तलवंडी साहब होवे, पंजाब इक है। महाराज रणजीत सिंह का पंजाब एक सूबी बनाता, सूबी उस सूबी दे विच भी एक सूबा खड़ा करता, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बार्डर होंदा 4-5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर सूबे दे अंदर केड़ा बार्डर है ओए, हैं? नवा साम्राज खड़ा करांगे, ओए नवा साम्राज कितें यह तो नहीं है भी जिहड़ा 50 किलोमीटर BSF लाती वो थोड़ा। एक इंच भूमि नहीं ले जाण देंगे, एक इंच भूमि। इस करके मैं बहुत धन्यवाद हाँ थोड़ा, बहुत धन्यवाद करता थोड़ा, क्योंकि इस अदालत च फैसले होंगे। ये ना सोचो गुरु का इंसाफ नहीं होया, गुरु तो आप इंसाफ करने वाला है।
वो तो परखदा है ते परख परख कई उन्हें सरकारां उल्टा दी। एक सरकार उल्टी दूजी बनी, एक मुख्यमंत्री ठां राजे तो रंक ते दूजा बनिया। ये उसे गुरु का प्रताप है। वो तो ऐसे अग चो कढ़ू कोई कुंदन बना के, संघर्ष चो ही कढ़ू। वो तो देखदा है भी केड़ा सोना है ते केड़ी मिट्टी है। जड़े असली लोग ने पंजाब दे दर्द वाले, जड़े असली कार्यकर्ता ने वह मिट्टी दे विच मणियां वांग रुड़ रहे हैं। मणियां चको, पंजाब दे मुकुट च सजाओ उन्हां नूं सोने च, तां गल बणू। बाकी अखीर च इन्ना ही कहना, मैं हूं ना। जय श्री कृष्णा। ओए भगवान परशुराम जी की जय। ओए भगवान परशुराम जी की जय। मैं कहना मैं नारा दऊ उस च सारा कुछ ही आ जाना। बोलो सो निहाल, सत श्री अकाल, नारायण हरि, जय श्री राम। सौंप दे अपना जीवन तू मस्ती के नाम, तुझसे मिलने आएंगे फिर खुद राजा राम, तुझसे मिलने आएंगे फिर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नारायण हरि, जय श्री राम। बोले सो निहाल, असी एक हां एक सी एक रहांगे, मानस की जात सब एक है पहचान।